हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड का 2021-22 का न्यू क्वेश्चन बैंक बाजार में आ चुका है। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अवतार का नया क्वेश्चन बैंक बाजार में आ चुका है, परंतु अभी इसे डीलरों के पास ही रखा गया है। जब आपके बाजार में आ जाएगा तो मैं आपको इसी वीडियो बना के बता दूंगा कि बाजार में आ चुका है, आप जाके ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, पहले ही यहाँ पर मेरे पास किसी डीलर ने मुझे दे दिया है, 25 था। तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 12वीं का NCERT आधारित भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस का आपको दिखा दूंगा, तो आप उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, टीचर जो है स्कूल में सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 30% सिलेबस कम किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक हिंदी का भी आपको दिखा दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर हिंदी का देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दूसरा वीडियो बना रहा हूँ भौतिक विज्ञान का, यहाँ पे आप फटाफट आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, ये देखिए, ये जो अध्याय है एवं टॉपिक हैं ये हटाए गए हैं, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। स्थिर वैद्युतकी में इतने टॉपिक, यानी कि जो चैप्टर बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा है, ये इकाई है, इसमें से आपको 3-4 चैप्टर दिए हैं। इसमें देखो दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 8 ये जो जितनी भी हेडिंग दी गई है इसमें, जैसे वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, ये चैप्टर आपको, यानी कि ये जो बिंदु इसमें दिया गया है यही आपको पढ़ना है। और इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इकाई 2 में यानी धारा वैद्युत में, और इसमें आपको ये हेडिंग पढ़नी है, वैद्युत धारा पढ़नी है, धात्विक चालक, इसमें से आपको एक भी हेडिंग मिस नहीं करनी है। ये परीक्षा के दृष्टि से यानी 30% सिलेबस को कट करके दिया गया है। अभी जितने भी 30% सिलेबस में क्या क्या चीज़ें काटी गई हैं उसको मैं आपकी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप पहले इसको देख लीजिए, जो जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे 7 नंबर का आएगा, और इकाई 3 से आपको वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। और ये चीज़ें, ये देखिए दोस्तों, जो खंड का यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, खंड का यानी कि भौतिक विज्ञान जो है, 2 फिजिक्स की 2 किताब है, तो ये पार्ट 1 का है, और पार्ट 2 का भी यहाँ पे पीछे दिया है। और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये चीज़ आपको इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इकाई 4 में वैद्युत चुंबकीय तथा प्रेरण प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और यही ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे LCR परिपथ अनुनाद, AC परिपथों में शक्ति, AC जन्य तथा ट्रांसफार्मर, और इकाई 5 में आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, और इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो 5वां है यानी कि खंड ख में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे खंड ख में आपको, जैसे इसमें 4 इकाई दी गई है, और इसमें 4 इकाई में से आपको जितना भी हेडिंग दिया है एक भी हेडिंग मत मिस कीजिएगा। अभी आपको दिखा देता हूँ, चलिए आप फटाफट देख लीजिए। इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इकाई 2 से आपको द्रव्य तथा प्रकीर्णों की दैत्य प्रकृति, ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और परमाणु तथा नाभिकीय, ठीक है, 8 नंबर। देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय व टॉपिक, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है अध्याय में से आपको हटाया गया है। देखिए दोस्तों, 5-6 चैप्टर को मिलाकर एक इकाई बनाई जाती है, और इकाई में यहाँ पे ये चीज़ें, ये हेडिंग आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इकाई 1 में आपको लगभग 2-3 हेडिंग है, जैसे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, वैद्युत यह क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुपयोग, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। और इकाई 2 में आपको धारा वैद्युत में दिया गया है, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, ये जो 2 हेडिंग है यानी कि ये वाली और ये वाली, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, इसमें हटा दिया गया है। आप पढ़ेंगे कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अभी बोर्ड एग्जाम का टारगेट देना है, और उसमें से अच्छा से स्कोर करना है, यानी कि बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करना है, 90+, तो आपको ये चीज़ें अभी छोड़ देनी है, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो इकाई 3 में आपको, इसमें कई सारी हेडिंग दी गई है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो जो पढ़ना था आपको मैं दिखा दिया हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इकाई 4 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, तो इसमें आपको शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना है, वाटिन धारा नहीं पढ़नी। और 5वां इकाई में है वैद्युत चुंबकीय तरंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस में आपको जो पार्ट 2 है यानी कि फिजिक्स का जो पार्ट 2 होता है किताब में, उसमें से आपको ये प्रकाशिकी से अंतर यानी कि इकाई जो है, इसमें से आपको ये चैप्टर नहीं, सो यहाँ पे जो टॉपिक दी गई है जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। गोली दर्पण, इसको भी नहीं पढ़ना है। ऐसी जितनी भी टॉपिक दी गई हैं इसको नहीं पढ़ना है।
और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इकाई टू में आपको ये द्रव्य और विक्रेडों की द्वैत प्रकृति, इसके अंतर्गत ये जो दो तीन हेडिंग दी गई है जैसे डेविसिन तथा जर्मर प्रयोग, ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार इकाई थ्री में भी परमाणु तथा नाभिक, जब आप किताब खोलेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसी प्रकार आपको समझ में आए तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद भी आपको समझ में आएगा जरूर। और रेडियो एक्टिविटी, एल्फ बीटा तथा गामा किरण, तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों, इसमें जिनके इतने भी दिए गए हैं और ये पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस यानी कि 95 प्लस इसी प्रकार स्कोर करना है, तो आप ये पढ़िए मत। और जितना भी सिलेबस दिया गया 70% सिलेबस, उसको आपको चट जाइए, यानी कि कोई भी टॉपिक ना छूटे जो आपको पढ़े ना हो, ठीक है। इसी प्रकार ये इसमें भी ये चीज़ नहीं पढ़नी है, तो आपको सारा कुछ मैं बता दिया। और इसमें जो मॉडल पेपर भी तीन दिया है मॉडल पेपर, और ये अभी दोस्तों लगभग 25 यानी कि सितंबर के लास्ट तक आपको ये मार्केट में ट्रेनियर आ जाएगा। अभी ये अलाउ नहीं है भारत सरकार के द्वारा, जो इसे जारी किया उत्तर प्रदेश ने, उसमें उन्होंने बताया कि अभी ये जारी कर दिया जाएगा। तो बच्चे अभी स्कूल खुला है, लगभग एक महीने स्कूल खुलने हुआ, तो अभी से ये जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सभी बच्चे किताब नहीं लेंगे और ये डायरेक्ट ट्रेनियर से पढ़ेंगे तो जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें जो ट्रेनियर का मतलब होता है दोस्तों, ये जो सिलेबस यानी कि इसमें जैसे दे दिया गया है, इसमें पूरा नहीं दिया जाता है, ये सारांश दिया रहता है। तो आप जब किताब पढ़े रहेंगे, सारांश पढ़ेंगे, तब आपको याद होगा, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। और भी आपको सिलेबस की यानी कि जैसे मान लीजिए गणित का हो गया, इसका चाहिए तो आप कमेंट करिए, बता दीजिए, मिल जाएगा आपको। अगर आप यूपी बोर्ड के 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए मेरे पास एक अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज है कि अभी तक आप मेरा कोड पावर यूज करने पर सिर्फ आपको 10% का ऑफ मिलता था, लेकिन अब आपको अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ, यानी कि कुल मिला के आपको 20% का ऑफ। और यह ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है, यानी कि 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, 24 सितंबर तक आप इसका यूज कर पाएंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो कि इस प्रकार है, अनअकैडमी में बहुत सारे डाउट फीचर मिलेंगे जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला आपको मिलेगा लाइव लर्न लाइव फ्रॉम कम्फर्ट, यानी कि आप अपने घर पर भी लाइव क्लास पढ़ सकते हैं, बिना किसी इंटरनेट के डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो। और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, यानी कि आपको ऑल कोर्स फ्री मिलेगा, ठीक है। और टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया वन प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको इंडिया से बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। और यहाँ पे रेगुलर आपको डाउट क्लियर करने का एक अच्छा फीचर मिलेगा, जिससे आप कभी भी अपना डाउट फीचर यूज कर सकते हैं 24 घंटे एनी टाइम। और यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस करने का यानी कि वादा करता है अनअकैडमी, पूरा सिलेबस क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ में मिलेगी, जो कि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं एनी टाइम। और प्रैक्टिस सीट, यानी कि आपका प्रैक्टिस सीट में इंडिया के कितने रैंक आपकी आई है इंडिया में, ये सब चीज़ बताई जाएगी अनअकैडमी पर। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, बैच कोर्सेस पूरा आपको मिलेगा, यानी कि बहुत सारे इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरा मानना है कि अगर आप 24 सितंबर तक इसका यूज कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप इसे ऐप को डाउनलोड करके प्लस सब्सक्रिप्शन कीजिए, और मेरा कोड पावर यूज करने पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का ऑफ, यानी कि कुल मिलाकर को 20% का ऑफ मिलेगा। फटाफट जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करिए।